हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग लेके आए आपके लिए एक बहुत ही प्यारी बाइक जिसको आप लोग मार्केट में बीस्ट के नाम से जानते होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अपाचे आरआर 310 के बारे में। इंजन के बारे में तो इसमें आपको BMW का 312.2 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि खुद में एक 300 सीसी सेगमेंट में बाइक के लिए सबसे बेस्ट चीज है। तो अगर हम बात करें इस इंजन की सबसे खासियत की, तो वो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका इंजन है वो इंक्लाइन मोड में है, जिसके वजह से ये देख सकते हैं जो हमारी बाइक में पाइप अगर आप देखें तो यहाँ से डायरेक्ट इंजन से निकल के पीछे की ओर आती है, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये जो पाइप है ऊपर की ओर जा रही है, जिससे इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप किसी भी ब्रेकर पे चढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस काफी मिलता है। अगर यही आप बात करें NS में, तो वहां पे देख सकते हैं उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा कम दिया गया है। उसके पीछे का रीजन था इंक्लाइन इंजन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस बाइक में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बने हुए। अभी एक नॉर्मल रिव्यू दे देते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये हमारी जो बाइक है वो एक सिंगल सिलेंडर बाइक है, 4 स्ट्रोक के साथ आती है। अगर हम बात करें इसका तो 34 PS का इसका पावर है, 27.3 Nm की इसकी टॉर्क है, और साथ ही साथ ये 30 की माइलेज देती है। कुछ लोग 31 बोलते हैं, कुछ लोग 30 बोलते हैं, वो क्या है वो सारी रिव्यू हम आपको बाद में डिटेल में बताएंगे कि आखिर ओरिजिनल जो इसका माइलेज है हाईवे पे सिटी में वो कितना है, वो हम दूसरी वीडियो में स्पेसिफिक वीडियो में दिखाएंगे। इस बाइक की एक और खासियत यह है कि एक ड्यूअल चैनल ABS के साथ आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो वो बहुत ही ज्यादा अलग है बाकी बाइकों से। अगर आप बाकी बाइकों की बात करें तो उनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप R15 की बात करें, अगर आप KTM की बात करें, तो उनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा होता है। बट TVS ने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सेंसेशनल चेंज लाने की कोशिश की थी, उसकी वजह से आप देख सकते हैं इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बिल्कुल ही सीधा एक फोन की तरह है, ऐसा है। और अगर हम बात करें इन डिटेल, तो इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इस बाइक में हमें 4 मोड मिलता है। तो वो 4 मोड क्या है वो तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो अभी हमारा जो है वो अर्बन मोड पे है, यहाँ पे देख सकते हो अर्बन। इसको अगर हम चेंज करें तो ये अभी देख सकते हो ये रेन पे आ चुका है। रेन से अगर इसको हम चेंज करें तो ये आ चुका है स्पोर्ट्स मोड पे। जी हाँ, जो स्पोर्ट्स मोड सबसे तगड़ा मोड। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये इस पे ट्रैक मोड भी दिया हुआ है। जी हाँ, ट्रैक से मुझे पता है तुम लोग MotoGP ही सोच रहे होगे, तो इसमें ट्रैक मोड भी दिया गया है। तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे कि ये जो 4 मोड है उसमें क्या क्या चीजें होती है, कितना इसका स्टॉप स्पीड है, वो हम बस आज आपको इसमें दिखाएंगे। एंड एक और चीज जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक सरप्राइज, वो ये है कि यहाँ पे देख सकते हो एग्जॉस्ट को हमने चेंज करा लिया है। एंड इसका एक बार हम आपको आवाज सुना के दिखा देते हैं, तो आवाज सुन सकते हो।
एग्जॉस्ट है, तो एग्जॉस्ट के बारे में भी एक अलग से वीडियो आएगी एंड उसके बारे में भी अलग से बात करेंगे। साथ ही साथ अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो यहाँ देख सकते हो बहुत ही प्यारे LED हेडलैम्प्स दिख रहे हैं जो कि RS में भी दिए गए थे लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो इसके मिरर की एक और खासियत ये है, इसका जो मिरर है वो आगे पीछे होता है, ये देख सकते हो, जिससे एरोडायनामिक्स में तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलती होगी। इसको तुम वापस जब चलाओ तो ऐसे लगा सकते हो अगर तुम कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हो। साथ ही साथ इसका अगर हम फ्रंट का बात करें तो ये देख सकते हो फ्रंट से बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड एक मैंने चीज पर्सनली फील की, ये बाइक जितनी अच्छी वीडियो में नहीं दिखती उससे ज़्यादा अच्छी है रियल लाइफ में। ड्यूअल चैनल ABS देख सकते हो, साथ ही साथ में यहाँ पे देख सकते हो इसमें BMW का सस्पेंशन भी दिया गया है। ओवरऑल बाइक बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। तो अगर हम बात करें इस बाइक की प्राइसिंग की तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 260,000 रुपये के आसपास है एंड इन रोड कुछ 312,000 315,000 के आसपास अप्रॉक्स पड़ेगा। ओवरऑल बाइक मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर 300 cc की अगर तुम कोई चीज़ ओन कर रहे हो तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, गो फॉर इट, जा सकते हो। एंड अभी इस बाइक का एक बार टॉप स्पीड चेक करते हैं कि कितनी जाती है ये बाइक। चला के लिटरली बता रहा हूँ, अभी इससे ज़्यादा भी ये जाती, इससे ज़्यादा भी ये जाती, लेकिन मैं इससे ज़्यादा ले नहीं गया क्योंकि यार जो एम्स एलिवेटेड की रोड है वो ठीक नहीं है, ऊपर नीचे जर्क है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इससे ज़्यादा नहीं ले गया। बट लिटरली मज़ा आ गया कसम से। ये देख सकते हो रोड जो है उसमें जर्क बहुत है, ये जो स्ट्रैप है उसकी वजह से मैं इसको ज़्यादा नहीं ले गया क्योंकि यार बाइक जो थी वो सरफेस को छोड़ रही थी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं ले गया, वरना ये 162 से भी ज़्यादा जाती और भी ज़्यादा जाती। तो अभी यार एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर जिसमें मैं सारे इसके जो मोड्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक मोड, अर्बन मोड, उसमें कितने कितने पावर, जैसे इंजन की पावर उसमें डिवाइड हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊँगा। एंड ऐसे और भी बहुत सारे बाइक्स रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करो मोटो अर्बन। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून विद अस, बहुत सारी चीजें आने वाली है। बाय बाय।